सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम रोहित और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक एंड रोहित को। दोस्तों ये हमारी न्यू ईयर की फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया था कम्युनिटी पोस्ट में मैं घूमने चला गया था, बाहर टूर पे था 2-3 दिन के, तो वहाँ से वापस आ चुका हूँ और आते ही आप लोग के लेके आए एकदम न्यू लेटेस्ट फ्रेश वीडियो। दोस्तों आज की हम बात करने वाले हैं जी मेल के बारे में। दोस्तों हमारी जो जी मेल आई डी होती है, काफ़ी सारे मेल्स आते हैं जिससे हमारी जो जी मेल आई डी है वो पूरी भर जाती है। देखिए प्रॉब्लम ये होती है उसमें कि हमारे जो जी मेल्स आते हैं ना, तो उससे हमारे जी मेल का जो स्पेस है, आप लोगों को शायद पता होगा कि जी मेल ने अभी जो फ्री स्पेस है 15 GB बस कर दिया है, 15 GB स्पेस किया है ना गूगल ने, उसमें आपका जी मेल, गूगल ड्राइव, गूगल फोटो, जितने भी गूगल प्रोडक्ट्स हैं ना, उन सभी को टोटल स्पेस मिला के 15 GB। अगर 15 GB आप यूज कर लेते हैं तो आपको पर मंथ 150 रुपीज देने पड़ेंगे गूगल को, उसके बदले आपको एडिशनल स्पेस वो देता है। लेकिन दोस्तों अगर हम जीमेल के जो फालतू के मेल्स है ना हमारे जीमेल में भरे पड़े हैं उसको डिलीट कर देना, तो हमारा काफी ज्यादा स्पेस जो है वो बच जाएगा। दोस्तों तो आपको करना क्या है इसके लिए, अगर आप एक एक करके डिलीट करोगे ना, बहुत ज्यादा टाइम उसमें लगता है एक एक मेल को डिलीट करने में। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जीमेल की, जिसको अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपका जो जीमेल अकाउंट पे जितने भी मेल्स होंगे ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम का, जैसे कि आपने 7 दिन सेट कर दिया, 1 महीने सेट कर दिया, तो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वाले मेल्स जो है अपने आप डिलीट हो जाएंगे। तो आपको जीमेल का स्पेस है ना वो बिल्कुल फ्री होता रहेगा और ज्यादा भरेगा भी नहीं। दोस्तों आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब तो बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से लेटेस्ट टिप्स एंड टेक्निक्स वीडियो लेके आते रहता हूं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, यहाँ पे आपके सामने ओपन है गूगल क्रोम, तो आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना। गूगल क्रोम मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप ओपन करें। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है ईमेल स्टूडियो। ईमेल स्टूडियो लिख के जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जो कि workspace.google.com है ना, ईमेल स्टूडियो फॉर जीमेल। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। ये ईमेल स्टूडियो फॉर जीमेल है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे कुछ ये एक्सेस मांगेगा, परमिशन मांगेगा, वो आपको अलाउ करना है। और उसके बाद में फिर आपसे एक ईमेल आईडी मांगेगा, यानी कि आप किस जीमेल में इस जीमेल फॉर स्टूडियो को जो है सेटअप करना चाहते हैं, अपनी उस जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। जब आप इतना काम कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फिर जाना है जीमेल में, है ना, ये आपको लिखना है ईमेल, ये वाला काम करने का आपको ईमेल में जाना है और फर्स्ट वाला लिंक पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर देंगे यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट इसको कर लेना है। आपको डेस्कटॉप साइट जैसे आप लोग कर लोगे तो ये आपके सामने कुछ इस टाइप से ओपन होगा, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इस टाइप से जब ओपन हो जाएगा तो थोड़ा टाइम लेगा ये, और ना देखिए हो चुका है ओपन। अब यहाँ पे आपके सामने एक न्यू ऑप्शन आ जाएगा, जो आपने ऐड किया ना ईमेल स्टूडियो, वो ये वाला ऑप्शन है। ये आपको टेलीग्राम जैसा एक साइन दिख रहा है ना, ये हवाई जहाज जैसे जो साइन है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, आपके सामने इस टाइप से ईमेल स्टूडियो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको वाली ईमेल आईडी सिलेक्ट करनी है पहले, तो जिसमें आपने इंस्टॉल किया है ना, और यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी लॉगिन है तो फर्स्ट टाइम आपसे लॉगिन करने के लिए बोल भी सकता है। आपको ईमेल क्लीनअप पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ परमिशन अलाउ मांग सकता है, वो आपको कर देना क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा हूँ। आपको न्यू रूल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करें सो जैसे आप क्लिक कर देंगे आप सामने वाला इंटरफेस आएगा। आप देखिए मैं यहाँ पे है ना वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो माइक की रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो नहीं पाई थी। उससे पहले आपको यहाँ पे फुल नेम डाला, यानी कि नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं इसका, आप जो भी मतलब जैसे कि आप ऑटो डिलीट मैंने डाल रहा हूँ यहाँ पे, ईमेल आपसे कुछ भी नाम डाल सकते हैं। फ्रॉम के अंदर आपको डालना क्या है कि जिस भी आईडी से आपको मेल आ रहे हैं, यानी कि जो भी आईडी है, जैसे कि यूट्यूब की तरफ से मुझे मेल आ रहे हैं तो youtube.com की तरफ से आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे डालना है। मैंने अभी यहाँ पे यूट्यूब डाला, लेकिन आपको पूरा मेल डालना है। मैं साइड में आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा मेल कहाँ पे मिलेगा उस कंपनी का, जिसके आपको जो मेल्स हैं वो ऑटो डिलीट करने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि जो मेल आते हैं वो किस सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि यूट्यूब के मुझे मेल जो आते हैं ना उनमें सब्जेक्ट यूट्यूब ही होता है, बाकी उसके अंदर सब कुछ होता है। तो मैं यूट्यूब डाल देता हूँ। यहाँ पे कितने दिन में डिलीट करने हैं, आपको कितने दिन के डिलीट करने हैं वो आप डाल सकते हैं, तो उतने दिन के इकट्ठा होकर वो डिलीट होते रहेंगे बाद के, ठीक है। तो ये आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आएगा कि आपको किस फोल्डर के जो डिलीट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एनी वेयर कर सकते हैं, या फिर एक अलग से जो फोल्डर इनबॉक्स, जंक, सेंट, स्पैम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एनी वेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आपको बोले आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मार्क एज रीड कर सकते हैं, मार्क एज अनरीड कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे आपको सिलेक्ट कर लेना है मार्क सेंड टू ट्रैश, यानी कि ट्रैश का मतलब यह है कि वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा। उसके बाद आपको नीचे भी ट्रैश का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो नीचे एक ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे एक अपडेट का बटन है, इस अपडेट और बटन पे क्लिक करके आपको रन पे क्लिक कर देना। बस इतना काम करने के बाद में आपका काम हो जाएगा और आपके जो मेल्स हैं ना वो ऑटोमेटिकली जितने दिन आपने सिलेक्ट किए इतने दिन के मेल्स ऑटोमेटिकली डिलीट होते रहेंगे। दोस्तों आई होप आपको हमारी आज की लेटेस्ट जो ट्रिक है जीमेल की पसंद आई होगी, और आपको वीडियो भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।